ये व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, गाइज अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, देख सकते हैं दिस पेज इसेंट अवेलेबल राइट नाउ। गाइज अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रीलोड पेज पे क्लिक करूँगा तो भी ये मेरी प्रॉब्लम यहाँ से नहीं हट रही। गाइज अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा और आपको लाइव दिखाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, इसे अपने फेसबुक से हटा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं और भी किसी के प्रोफाइल पर जाके यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। तो गाइस ये प्रॉब्लम फेसबुक में आ रही है तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको बैक चले आना होगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो में 100% गारंटी ले रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपकी 100% फिक्स हो जाएगी। तो गाइस इसके लिए, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो गाइस यहाँ पे ये स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें फॉलो करने से पहले आपको मैं आपको बता दूँ, आपके फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए। गाइस अगर आपके फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होगा तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर फेसबुक सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है परमिशंस पे। जाने के बाद यहाँ पे आपको सभी परमिशंस को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है डेटा यूजेस। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पे ये सभी फ़ोनों में होता है, यहाँ पे डेटा यूजेस। तो आपको यहाँ पे डेटा यूजेस का ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आपको डेटा यूजेस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मोबाइल डेटा है इसे ऑन कर देना है। गाइस अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो आपको वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, पर मैं तो अभी मोबाइल डेटा यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल डेटा यहाँ पर जो मेरा ऑफ था, तो यहाँ पर अगर आपका ऑफ है तो आप इसे ऑन कर लें। इसे ऑन करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है स्टोरेज में। जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर डेटा और क्लियर कैसेस कर देना है, यहाँ पे आपको दोनों को क्लियर कर देना है, यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको आना है बैक। बैक आने के बाद आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। फेसबुक सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इसे फेसबुक को सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट कर लेना है। गाइस अगर आपका जो फेसबुक एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लें, मेरा जो फेसबुक एप्लीकेशन है ऑलरेडी अपडेट है तो मुझे अपडेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको ये सब कर देना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को रिबूट कर देना है। तो गाइस अपने फ़ोन को, गाइस अगर आप रिबूट करना नहीं जानते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो फ़ोन रिबूट करना सभी लोग जानते ही हैं, पावर बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके आप रिबूट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे कई सारे लोग रिबूट करना भी नहीं आता, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस अपने फ़ोन को रिबूट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने पावर बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिबूट और पावर ऑफ। तो गाइस ऐसा होता है किसी डिवाइस में यहाँ पर जो रिबूट की जगह पर रिस्टार्ट का भी ऑप्शन आता है और किसी फ़ोन में रिबूट का भी ऑप्शन आता है। तो गाइस यहाँ पर ऐसे में कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस पर क्लिक करूं। तो गाइस अपने पावर बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिबूट पावर ऑफ। पर आपको पावर ऑफ पर क्लिक नहीं करना है, अगर आपके फ़ोन में रिबूट आता है तो आपको रिबूट पे क्लिक करना है, और आपके फ़ोन में रिस्टार्ट आता है तो आपको रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। पर आपको पावर ऑफ पर क्लिक नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको पावर ऑफ पर क्लिक नहीं करना है। तो ये करने के लिए आपको अपने पावर बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पर रिबूट या रिस्टार्ट, क्योंकि किसी फ़ोन में रिबूट होता है किसी में रिस्टार्ट होता है, तो इसके लिए आपको, अगर आपके फ़ोन में रिबूट आता है तो आपको रिबूट पर क्लिक कर देना है, अगर आपके फ़ोन में रिस्टार्ट आता है तो आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फ़ोन है स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है अपने फेसबुक में। फेसबुक में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने फेसबुक में लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपने फेसबुक में लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपने फेसबुक में लॉगिन कर, मेरा ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे लॉगिन कर लेना, यहाँ पे हम परमिशन दे देते हैं इसे, यहाँ पे हम परमिशन दे देते हैं इसे, यहाँ पे नो थैंक्स।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं अभी जा रहा था किसी भी पर्सन की प्रोफाइल पे जा रहा था तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किसी एक की प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वाली प्रोफाइल भी अभी ओपन नहीं हो रही थी, वो भी अभी प्रोफाइल ओपन होने लगी है। और भी मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये वाली प्रोफाइल भी ऑन हो चुकी है, यहाँ पे ओपन हो चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो और भी मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं ये वाली प्रोफाइल भी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं किसी भी प्रोफाइल को आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, कोई सी भी प्रोफाइल ओपन करके दिखा रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो गाइस देख सकते हैं हमने इस वीडियो में कितनी आसानी से उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया, वो भी लाइव प्रूफ हमने आपको दिखाया है। लाइव ये भी नहीं यहाँ पे हमने वीडियो को कट किया हो, यहाँ पे हमने आपको लाइव दिखाया है। देख सकते हैं अभी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी और हमने कितनी आसानी से इस प्रॉब्लम को अपने फेसबुक से हटा दिया। तो गाइस ऐसे आप इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। तो आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।